किसी दूसरी रियासत में पुलिस कई सालों तक बच्चों को बिना किसी कारण से जेल में रखती है, जबकि हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर चंद ही घंटों में बच्चों की रिहाई हो गई। डीसीपी साउथ जोन से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर शाली बंडा और आशा टाकिस के नौबत एहतजाज करने वाले नौजवानों को रिहा कर दिया गया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और मजलिसी रुकन बल्दिया सारी रात हालात को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उनसे भी और पुलिस से भी रابطے में थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर नौजवानों को तकरीबन रात के 1:30 बजे कंचनबाग पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया था। एक मामले में पुलिस ने गैर मुनासिबी तरीक़ा इस्तेमाल किया था और घर के दरवाज़े तोड़े और घुसकर 5 नौजवानों को हिरासत में ले लिया था। इस मामले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह हरगिज़ काबिले कबूल नहीं होगा और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने कॉर्पोरेटर से कहा कि वो उन नौजवानों को उनके घर वापस छोड़ दे। घर का दरवाज़ा तोड़ के हम उनको मार ले गए। घनश्याम मतीन भी है ना उसमें? जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना? जी हाँ। एहतेशाम जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कोऑपरेटर साहब और समस्त कोऑपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अब जाओ, 1:30 बजे अब जाओ घर, घर में परेशान होंगे जी। इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर में छोड़ देंगे जी। अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, पर ये नहीं होना था वो जी। साहब आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए जी। अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जजाकल्ला साहब। घर वाले परेशान होंगे, आप भी जाइए जी। ओके, शुक्रिया साहब, जजाकल्ला, शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये हैदराबाद की सूरत हाल का जिम्मेदार बीजेपी का एमएलए राजा सिंह की नफरत अंगेज तकरीर का बराह रास्त नतीजा है, इसे जल्द से जल्द जेल भेजे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में सुबह से अमन बरकरार रखने की दोबारा अपील की है। हैदराबाद हमारा घर है, इसे फिरका वारियत का शिकार नहीं होना चाहिए।